लेखक थे आनंद शंकर माध्यम, शब्दार्थ देखते हैं बोलकर प्रचलन या प्रचलित होना, गल अनुसार उसके अनुसार चलना, जीववाद के अनुसार आप चलते हैं तो क्या कहते हैं गल अनुसार, वेतन भोगी वेतन पर गुजारा करने वाला, जो आप काम करते हैं और आपको वेतन देते हैं, ये वेतन पर आप अपना गुजारा चलाते हैं, उनको क्या कहते हैं वेतन भोगी कहते हैं, शुक्ल या फीस या माफ करना साक्षात प्रत्यक्ष निजी निजी या अपना, जो व्यक्ति आपके संबंधी होते हैं आपके नजदीक होते हैं वो उनको क्या कहते हैं निजी कहते हैं। मुहावरा देते हैं गधे को गणित सिखाना, क्या है गधे को गणित सिखाना, अयोग्य को ज्ञान देना, जो व्यक्ति अयोग्य जो ज्ञान प्राप्त न कर सकता हो उनको क्या कहते हैं कि गधे को गणित सिखाना, ऐसा कहते हैं हैरान कर देना, जबकि कर देना नाम कमाना यश पाना या प्रसिद्धि पाना, जो आप समाज में अच्छा काम करते हैं आपको कहते हैं नाम कमाना, नाम कमाने का अर्थ क्या होता है मुहावरा यश पाना या प्रसिद्धि प्राप्त करना। आपका नाम आपका नाम क्या है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के शब्द, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का शब्द कैसा होता है इनके बारे में लेखक ने बताया है, क्या कहते हैं कि माधवन जी श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के किवन जिले में हुआ था, जाहिर हुसैन के संपर्क में आने ही हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंध में पक्षघर बने थे। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में माधव जी का सक्रिय सहभाग, महात्मा गांधी जी के साथ भी वो सक्रिय भाग ले सकता था, हिंद छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। आनंद शंकर गुरु कहाँ रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, जेल में रहकर ही उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया, अध्ययन करते क्या थे ये पढ़ना शुरू किया है, जेल से छूटकर अब भारत भ्रमण पर निकल पड़े और बाद में बिहार के मंदार विद्यापीठ की स्थापना की, जेल के न होने के बाद वो निकल पड़ते हैं भारत भ्रमण करने के लिए और बंगाल में मंदरा विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। 1985 में सिद्धम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की, अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक थे, मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की है। माधवाचार्य ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को प्रश्न करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली परम रूप से करार व्यंग्य किया गया है, हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाल है। अभी भी आप जो देखते हैं कि अब के समाज में क्या है वह व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाल है, बोलबाल का अर्थ क्या होता है कि प्रचलन या प्रचलित, आप देखते हैं कि व्यावसायिक बन गया है, वो पढ़ाना है वो तो समाज में व्यवसाय बन गया है, वो ऐसा कहते हैं। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है, पहले जो गुरु पढ़ाता था तो वेतन नहीं लेता था, अब जो गुरु पढ़ाता है तो क्या करता है वेतन लेता है, इसलिए गुरु शिष्य के परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान बनते थे, पहले विद्यालय कैसे थे मंदिर समान, जब मंदिर में जाते थे तो मंदिर में एक भी वेतन था, लेकिन अब तो मंदिर में भी वेतन भोगी हो गया है, इसी प्रकार शिक्षा भी कैसी हो गई है वेतन भोगी की तरह हो गई है। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था पर परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था, उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती, पहले जमाने में पुराने जमाने में क्या थे कि पैसे देकर शिक्षा नहीं खरीदी जाती, अब तो बच्चों देखते हैं कि अब ये जमाने में तो पैसे देकर ही शिक्षा खरीदी जाती, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा देता है वो वेतन नहीं लेता। आप देखते हैं कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाल है, देखो क्या कहते हैं कि हमारे समाज में क्या है व्यावसायिक, व्यावसायिक इसको कहते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको व्यवसाय कहते हैं, क्योंकि यहाँ किसका बात किया गया है गुरु शिष्य की बात है, इसलिए पढ़ाने की बात आती है कि क्या है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला, उसी कारण गुरु शिष्य संबंध
संबंध में परिवर्तन आया है। उसी के कारण गुरु शिष्य के संबंध में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है, बदलाव आ गया है। पहले विद्यालय कैसी थी? मंदिर के समान थी। पहले विद्यालय क्या थी? मंदिर के समान थी। मंदिर में जाते थे, शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं? अनुष्ठान कराते हैं। ऐसे ही समान थी, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पहले तो विद्या प्राप्त करना तो क्या था? एक परमेश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम था, एक साधन था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती, पहले पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई। आज क्या हो रहा है कि स्थिति बिल्कुल बदल दी गई है। जो शिक्षा देता है वो क्या करता है कि पैसे लेकर ही शिक्षा दे रहा है। और अब शिक्षण कार्य पर आने का साधन बन गया है। अब शिक्षण कार्य क्या हो गया है? पेट पालने का साधन बन गया है, वेतन भोगी बन गया है। जो वेतन मिलता है वही शिक्षा देता है। जो शिक्षा देता है कभी भी खाली हाथ नहीं देता, वो आपके पास क्या मांगता है? वेतन मांगता है। ऐसा कहते हैं जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाए, जिसको क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति कहा जाए। आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है, क्रिया नहीं करते। आज एक प्रकार की अव्यवस्था व्यावसायिक संस्कृति प्राप्त, आज अव्यवसायिक संस्कृति प्राप्त हो गई, जिससे जड़ सायक यूरोप में है। जैसे कि जड़ सायक यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध की अनुरूप परिवर्तन हो गया। भारतीय में जो गुरु शिष्य का संबंध था इसमें क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया। पहले जो शिक्षा देता था वो कभी भी वेतन नहीं लेता, अभी क्या कर रहा है? जो शिक्षा देता है वो क्या लेता है? वेतन लेता है। इसलिए उनमें परिवर्तन आ गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते। पहले क्या थे? गुरु वेतन भोगी नहीं होते, न शिष्य को भी शुक्ल देना पड़ता गुरु, क्योंकि गुरु वेतन नहीं लेता, इसलिए शिष्य को शुक्ल या फीस नहीं भरनी पड़ती थी। पैसे देकर शिक्षा करनी या क्रय विक्रय पद्धति निश्चित भारतीय मिट्टी का वज नहीं था। भारतीयों में ऐसा कि पैसे लेकर या वेतन भोगी लेकर शिक्षा प्राप्त नहीं करते। परमेश्वर के समक्ष गुरु को साक्षात परमेश्वर के समक्ष जाना था। गुरु को तो साक्षात क्या माना था? परमेश्वर माना जाता था। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय था, शिष्य तो पुत्र से भी अधिक प्रिय था। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था। प्राचीन काल में क्या था? गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक प्राचीन काल में पुराने जमाने में जो शिक्षक शिक्षा देता था ये तो अनुष्ठान के बराबर ही था। परमेश्वर की प्राप्ति उनका माध्यम था। जो शिक्षा देता था वो क्या मानता था कि मैं शिक्षा दूंगा तो मुझे परमेश्वर प्राप्त होगा, परमेश्वर प्राप्त करने का एक माध्यम समझता था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया। वो तो आज क्या हो गया है? पेट पालने का जरिया, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए वो साधन ही बन गया है। ऐसा लेखक कहते हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। प्रारंभ में कौन है? स्वामी विवेकानंद को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया या तो भारतवासी दौड़े मलाई लेकर स्वागत करने लगे। जब स्वामी विवेकानंद भारत में थे, भारत का ही था स्वामी विवेकानंद, लेकिन भारत में उनका स्थान किसी भी प्रकार से प्राप्त न हुआ तो कहा जाता है अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया। तो अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद अपना नाम कमा लिया तो भारत सरकार से क्या करते हैं? दौड़ते हैं उनको गले में माला पहनाने के लिए, उनका स्वागत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े। नोबेल पुरस्कार किनको प्राप्त होता है? रविंद्रनाथ को भी प्राप्त होता है तो उनको भी माला लेकर दौड़ते हैं। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं होता था। आप देखते हैं कि भरतनाट्यम और कथकली किसका नृत्य है? कि दक्षिण भारत का है, लेकिन वहाँ कोई पूछता नहीं है। पर जब उसे विदेश में मान मिला तथा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे और हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज भी पड़ी थी क्या? इनका अर्थ क्या होता है कि जो आपके पास है तो आप उनका मूल्य नहीं समझते, जो आपसे दूर जाता है और दूर से ही वापस आता है तब भी आप उनका मूल्य समझते, ऐसे ही लेखक कहते हैं। यहाँ के लोग अपनी खूब
आपको नजर नहीं आती, लेकिन आप दूसरों या पराओं के पास देखते हैं तो आपको वही सुंदर मोहित देती है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश में निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वतः जाने जैसा अनुभव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु से संबंध की महिमा सुनाना, गद्दे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास भी हो सकता है। गद्दे को गणित सिखाना, अपने लिखा मुहावरे को गद्दे को गणित सिखाना, अयोग्य को ज्ञान देना। जो व्यक्ति अयोग्य हो, जिनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो, उनको जो तुम ज्ञान देते हो तो क्या होता है, व्यर्थ होता है, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो, ऐसा लेखक कहते हैं। आप अगला पाठ है, फिर देखते हैं अगले लेक्चर में आपका पाठ का नाम क्या, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है, पहले के जमाने में या पुराने जमाने में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था, अब वो चल रहा है ये में कैसा है, वो आप देखते हैं लेखक।